इतनी महंगी मिठाई जब घर पे बनाएंगे तो बाहर से लाना तो भूल ही जाएंगे। ये मिठाई सिर्फ दो रोटी से बनके तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज हम आप सभी के साथ बची हुई रोटी की ऐसी जबरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे कि आप कभी भी रोटी बचाएंगे तो सबसे पहले यही रेसिपी खाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है, और तो और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं कई दिनों तक। ये खराब नहीं होगा, मतलब महीनों तक नहीं तो बस यहाँ एक दो हफ्ते तक ये अच्छे से रह लेगा, मतलब खराब नहीं होगा। तो फिर फ्रेंड, हमारे वीडियो में पूरे अच्छे से जुड़े रहिए। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रात की दो रोटी बच गई थी, तो इस दो रोटी को हम अच्छे से इसको तोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में आप बने रहे, आपकी जब भी ऐसा हर घर में होता होगा, रोटी हर रोज बची जाती होगी एक ना दो दिन, तो उसको हम फेंक देते हैं, पर फेंकना नहीं चाहिए। इस तरह से हम उसका जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ बना ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी रोटियों को तोड़ लेते हैं बढ़िया से। फ्रेंड्स, अगर बची हुई पूड़ी की रेसिपी जानना हो तो भी कमेंट में जरूर बताएं। कभी कभार ऐसा होता है कि ढेर सारी पूड़ियाँ बन जाती है और खाने वाले बहुत कम ही लोग रहते हैं, तो उसकी भी रेसिपी हम आपको जरूर शेयर करेंगे, कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स। तो इसको हम बढ़िया से तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारी रोटियों को अच्छे से तोड़ लिया है। अब एक मिक्सर का बर्तन लेंगे, इसमें सभी को अच्छे से रख के और इसको हम पाउडर बना लेंगे, अच्छे से हमें पीस लेना है। फ्रेंड्स, इसमें हमें बिना पानी डाले ही पाउडर बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें दरदरा कर लेना है, देखिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई या फिर एक पैन ले लेना है, उसमें दो चम्मच हमें घी डाल देना है। यहाँ पे हमने दो चम्मच घी ले लिया है। घी को अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे। घी में जब बढ़िया सी खुशबू आने लगे तो आपको क्या करना है, ये रोटी का जो पाउडर है इसमें हमें डाल देना है, और इसको अब हम बढ़िया से एकदम अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से इसको चलाते रहेंगे, हमें इसे बार बार अच्छे से चलाते रहना है और अच्छे से इसको भूनना है जब तक इसमें एक अलग सी खुशबू ना आने लगे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होती है। जब भी आपके घर में रोटी बने, आप एक रेसिपी देखने के बाद यही रेसिपी बनाएंगे जब भी आपके घर में रोटी बचेगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप पूरे वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। फ्रेंड्स, जब आपको इसको अच्छे से घी में भूनेंगे कुछ टाइम तक, तो इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो लगती है। तो इसको भूनना ज़रूरी है अच्छे से, नहीं तो इसमें कच्चा टेस्ट आएगा। तो इसको यहाँ पे बार बार इस तरह चलाते रहना है और बढ़िया से इसको भूनते रहना है जब तक इसमें एक अलग सी खुशबू ना आने लगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए ये हो गया है, देखिए एक अलग सी इसमें खुशबू सी आने लगी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो फ्रेंड्स, अब गैस को हम कर देते हैं बंद। अब इसको रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए थोड़े टाइम। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से अच्छे से हमें इसे भून लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ही हल्का हल्का क्रंची क्रंची सा लग रहा है, तो इसी तरह हमें भूनना है। तो अब हमने यहाँ पर वही पैन चढ़ा दिया है गैस पर। अब इसमें हम एक कटोरी जितना शुगर ले लेंगे। गैस को यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे ही रखना है। तो यहाँ पे इसको हम मेल्ट कर लेते हैं, इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, इसको बढ़िया से हमें मेल्ट कर लेना है शुगर को। इस तरह से कलछिल को हम चलाते रहेंगे ताकि एक ही जगह चीनी पकड़े ना। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह से मेल्ट हो जाए तो इसमें हम आधे कप कितना डाल देंगे दूध। तो फ्रेंड्स, जब दूध भी इस तरह से मावा की तरह दिखने लगे, इस तरह से हमें कर लेना है, दूध को भी अच्छे से पका लेना है, तब इस तरह से जब दिखने लगेगा तब यहाँ पे हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे साथ में। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, बढ़िया से इसको हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे देखने में लग रहा है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, जब ये बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से भून जाए, तब इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच भर के मलाई। तो यहाँ पे हमने फ्रेश मलाई डाली है। अब इस मलाई को अच्छे से इसमें हम मिला लेंगे बढ़िया से इसको।
इस तरह से मिला लेना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से जब हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये इकट्ठा होने लगेगा। अब यहाँ पे हम इस तरह का एक बर्तन लेंगे, इसमें हल्का सा हम घी लगा लेंगे। अच्छे से घी लगाने के बाद इसको हम इसमें पलट देंगे। हमने सभी को अच्छे से पलट लिया है। अब इस बर्तन में इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे, चारों तरफ अच्छे से इस तरह से हाथों से फैला लेंगे, अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो जो दानेदार वाली दूर से मिठाई बनती है बिल्कुल एकदम उसी तरह लगती है। तो जब आप महंगी मिठाई घर पे फ्रेंड्स सिर्फ रोटियों से ही बना सकते हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने पर आपको पता चलेगा कि एक कितनी ज़बरदस्त मिठाई घर पर बन के तैयार हो जाती है कि आपको बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है। अब ऊपर से हम मलाई लगा लेंगे, या फिर आपको अच्छे से दूध में से मलाई निकले वो भी लगा लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आप उन्हें मिठाई बढ़िया से खिलाना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दो रोटी से इतनी महंगी मिठाई बना के उनको खिला सकते हैं। ये बहुत ही गजब की स्वाद लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बस इस तरह हल्का फुल्का ही हमें मलाई लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। बट अगर आपको ज़्यादा लगाना है मोटा तो आप वो भी लगा सकते हैं, और आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूध की जो मिठाई दानेदार वाली बनती है तो बिल्कुल उसी तरह लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसे हम थोड़े टाइम के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम पीसेस में काट लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब पानी नहीं डालना है, आपको हल्का ही दूध डालना है, ज़्यादा दूध भी नहीं डालना है, बस थोड़ा ही। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पीसेस कर लिया है। आप चाहें तो ऊपर से अपनी मनपसंद की ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो हम आपको इसको एक बार निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस मिठाई को ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से दानेदार यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। एकदम महंगी मिठाई की तरह ये खाने में लगती है और एकदम दानेदार की तरह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पे महंगी मिठाई बना के इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी बचे हुए रोटी की, तो कॉमेंट में फ्रेंड्स ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अरे ड्राई फ्रूट की जगह जेली रखा है। मेरे बच्चे को जेली बहुत पसंद है, इसके लिए मैं मिठाई उसको भी खिलाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे जेली रखा है ताकि वो देखते ही खाने लगे और उसको पसंद आए। तो फ्रेंड्स, इस महंगी मिठाई को आप एक बार ज़रूर बनाएं, और आपके कितने इजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है, और आपके घर मेहमान आएंगे और जब ये मिठाई खाएंगे तो भी आपकी तारीफ करेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आसान रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।